हाय फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी अल्टो कार है ये। आज ब्रेकडाउन में आया हुआ हूँ मैं। इस गाड़ी के अंदर ये ढलान है, यहाँ पे चढ़ान पे रास्ते पे चढ़ते हुए गाड़ी को नीचे लोअर आर्म निकल गया है जो कि पुराना था, तो लोअर आर्म का बोल्ट जॉइंट है वहाँ से निकल गया और गाड़ी के अंदर पंचर भी हो गया है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे निकला और कैसे लोअर आर्म चेंज करते हम, तो ऐसे दिक्कतें आती है। तो गाड़ी को जैक पे ले लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये लोअर आर्म नीचे का निकल जाता है जब, तो ये पूरा पहिया कंट्रोल में नहीं रहता है, पूरा हिलने लगता है, ये यहाँ पे छू जाता है आप देख सकते हो। तो ये प्रॉब्लम रहती है, इसकी वजह से जब पहिया आगे पीछे घूमेगा तो ये एक्सल भी यहाँ से निकल जाएगा जो ड्राइव शाफ्ट है ये। तो मेन प्रॉब्लम ये नीचे वाला जो लोअर आर्म है उसका बोल्ट जॉइंट का है, यानी कि लोअर आर्म पूरा डलेगा। ठीक है, तो अभी ये पूरा हिल रहा है। लोअर आर्म या सस्पेंशन से कोई भी नॉइस आए तो गाड़ी का काम तुरंत करवाए, वरना गाड़ी रास्ते में हमें छोड़ देगी, बहुत दिक्कतें होगी और कई बार एक्सीडेंट भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं गाड़ी कंट्रोल में नहीं होगी तो। ड्राइव शाफ्ट यहाँ से निकल गया फ्रेंड्स, ये जो है यहीं से निकला हुआ है, यहीं से पूरा बोल्ट जॉइंट निकल गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक 14 का बोल्ट है वो निकालेंगे, ये 17 का भी खोल देंगे और ये तो नकल का खोलना पड़ेगा न्यू डालने के लिए। तो फ्रेंड्स नकल निकाल दिया, लोअर आर्म निकाल लिया यहाँ से, ये रहा, इस तरह पे यहाँ पर लगा रहता है जो बोल्ट जॉइंट बोलते हैं, ये पूरा लोअर आर्म है, यहाँ से यहाँ तक लोअर आर्म बोलते हैं, इसका बोल्ट जॉइंट बोलते हैं, ये नया है। तो ये इंस्टॉल करने वाले फ्रेंड्स, ये निकल गया है बॉल, न्यू लोअर आर्म फिट हो गया है फ्रेंड्स और ये एक्सल भी फिटिंग हो गया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स एक्सल का काम है पहिए को घुमाना, ड्राइव देना। तो अभी न्यू लोअर आर्म फिट कर लिया है फ्रेंड्स, अब व्हील लगा के चेक करने वाले हैं और बाकी सब जो बाकी रहेगा वो शॉप पे लेकर जो काम ले शॉप पर ले जाके काम करेंगे। अभी तो हम रास्ते में, ये ढलान पे गाड़ी निकल गया है बोल्ट जॉइंट लोअर आर्म का। यहाँ पे देख सकते हो हिलता भी नहीं है टायर, पहले ये ग्राउंड क्लीयरेंस कम हो गया था फ्रेंड्स, अब लोअर आर्म उनकी जगह पे लग गया तो परफेक्ट है, गाड़ी ऊंचा हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसलिए जब भी सस्पेंशन का नॉइस आए तो गाड़ी को तुरंत काम करवाए, गाड़ी को चलाए मत। ये लोअर आर्म है फ्रेंड्स, ये बोल्ट जॉइंट है, तो ये बोल्ट जॉइंट निकल गया था, इस जगह पे लगा रहता है, इसके ऊपर डस्ट कवर रहता है ये पूरा, और ये डस्ट कवर का यहाँ पे लॉक लगा रहता है, ये बोल इसके अंदर घूमता है, अभी पूरा बैठा हुआ ना ये, लेकिन अंदर अंदर पूरा चला जाता है, इस तरीके से घूमता है जैसे हम टर्न काटते हैं स्टीयरिंग का, तो जैसे खड्डे में गिरती है मूवमेंट होता है।
इस तरीके से गड्ढे में गिरती थी, ये घूमता है जब टर्न काटते लेफ्ट राइट तो भी ये ऐसे घूमता है, ये बॉल जॉइंट में से निकल गया फ्रेंड्स। लोअर आर्म या सस्पेंशन से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मालूम कैसे रहेगा फ्रेंड्स? तो जैसे ही गाड़ी हम स्पीड ब्रेकर पे या जैसे ऑफ रोड पे हल्का खराब रोड पे ले जाएंगे तो नॉइस आएगा नीचे से, तो हमें समझ जाना है कुछ नॉइस आ रहा है व्हील में से, तुरंत मैकेनिक को दिखाना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सीधा स्टेयरिंग पकड़ेंगे फिर भी गाड़ी लेफ्ट या राइट में खींचा चला जाएगा, व्हील में से नॉइस आएगा और टायर वन साइड घिसा जाएगा, तभी जब एलाइनमेंट करवाने जाते फिर भी हमारा गाड़ी सीधा नहीं चलता है, समझना है सस्पेंशन प्रॉब्लम।